गाइस अभी रिसेंटली एसुस ने किफायती कीमत के साथ अपना ब्रांड न्यू लैपटॉप इंडियन मार्केट में लॉन्च करा है जो एसुस विवो 15 और लैपटॉप काफी अमेजिंग स्पेस के साथ आता है। जैसे कि आपको इसमें इंटेल का 13 जनरेशन कोर i3 रिफ्रेश प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और इसमें जेन 4 SSD स्टोरेज टाइप दी गई है और इसी के साथ इसमें बैकलाइट कीबोर्ड का फीचर भी इंक्लूडेड है, जिससे लैपटॉप उन यूजर्स के लिए काफी बेनिफिशियल डील रहेगा जो अंडर 50 के लैपटॉप लेना चाहते हैं जिसमें वे नॉर्मल फोटो एंड वीडियो एडिटिंग, कोडिंग प्रैक्टिस, कैजुअल गेमिंग, ऑनलाइन लर्निंग या ऑफिस रिलेटेड टास्क कर सके। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में आप इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ इस लैपटॉप के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर मोमेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस चलिए सबसे पहले जानते हैं इस लैपटॉप के CPU के बारे में। हमें इस लैपटॉप में इंटेल का कोर i3-100U प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है और एक इंटेल का 13 जनरेशन रैप्टर लेक U सीरीज का रिफ्रेश प्रोसेसर है जिसे इसी साल 2024 में लॉन्च करा गया है और इसमें 0.9 GHz की बेसलॉ स्पीड देखने को मिलती है जिसे 4.7 GHz तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं और ये प्रोसेसर टोटल 608 Hz का रहने वाला है विद 10 MB L3 कैशिंग मेमोरी। और फ्रेंड्स इसमें भी पीकोस और ईकोस का फंडा देखने को मिलता है जिससे इनके कोर थ्रेड्स एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसीज में काफी डिफरेंस रहेगा। परफॉर्मेंस कोर्स में आपको 2 कोर और 4 थ्रेड्स दिए गए हैं पर इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1.2 GHz से लेकर 4.7 GHz तक की रहने वाली है जबकि एफिशिएंट कोर्स में 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं पर इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 0.9 GHz से लेकर 3.3 GHz तक की है जो लैपटॉप की सिंगल एंड मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंसेज को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देंगे और ये CPU आपको काफी वेल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देगा। और बता दूं i3-100U प्रोसेसर टर्बो क्लॉक फ्रीक्वेंसी के मामले में i3-1350U प्रोसेसर से 4% ज्यादा फास्टर है और एक बार बेंचमार्क स्कोर का लुक मारे तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों CPUs की परफॉर्मेंसेस में कितना गैप रहने वाला है। जिस आप ASUS के इस मॉडल में फोटो एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड टास्क कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, इसको कोडिंग प्रैक्टिस के लिए कंसीडर कर सकते हैं और इतना नहीं फ्रेंड्स आप इस लैपटॉप को ऑनलाइन लर्निंग या ऑफिस रिलेटेड टास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। और रैम इसमें 8GB की सिंगल DDR4 रैम का सपोर्ट रहने वाला है जो 3200 MHz तक की क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ आती है और आप चाहो तो इसमें रैम को 24GB तक अपग्रेड भी कर सकते हैं। और स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो इस लैपटॉप में 512GB की NVMe M.2 SSD स्टोरेज ड्राइव लगी है पर एक Gen 4 SSD है जिसे इस लैपटॉप की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी और आपके यहाँ पे फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सेस देखने को मिल जाएगी। पर इस लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको इसमें प्रीलोडेड विंडोज स्लैम होम सिंगल लैंग्वेज इंक्लूडेड है विद लाइफ टाइम फ्री लाइसेंस जिससे आप इसमें विंडोज स्लैम की सारी एप्लीकेशन को यूज कर सकेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर इसमें ऑफिस और बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम स्टूडेंट 2021 वजन भी दिया गया है जो काफी अच्छी बात है। और चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लैपटॉप के ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो ASUS के इस मॉडल में दिया गया इंटेल UHD ग्राफिक कार्ड जो कैजुअल गेमिंग के लिए इंटेल का डिसेंट पावर वाला GPU है जिससे आप इसमें नॉर्मल ग्राफिक सेटिंग्स पर GTA San Andreas, Free Fire, Minecraft के जैसे गेम्स इजीली खेल सकेंगे। बट स्टिल फ्रेंड्स ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है इसलिए आप इसे हाई लेवल्स पर गेमिंग करने के लिए बिल्कुल भी कंसीडर मत करना क्योंकि इसमें डेडिकेटेड GPU का सपोर्ट नहीं है। और चलिए गाइस अब बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। आपको इस लैपटॉप पे 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है जो काफी स्लिम नैरो के साथ आता है और नीचे वाले बेसल पर आपको ASUS Vivo की ब्रांडिंग दी गई है और एक 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला पैनल है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 6:9 तक का है और आपको इसमें 250 तक की पिक ब्राइटनेस एंड 45% एंटी-एसी कलर गैमेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और इसके डिस्प्ले के कलर्स एंड ब्राइटनेस काफी डिसेंट क्वालिटी के रहने वाले इंडोर यूज के हिसाब से जिससे आपको इसमें नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पर मूवीज एंड वेब सीरीज को देखने में काफी मजा आएगा। और इसी के संग इसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग भी प्रोवाइडेड है जिससे आपको इसमें ग्लोसी फिनिशिंग देखने को नहीं मिलेगी और आप बिना डिस्ट्रैक्ट अपने वर्क पर काफी अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे। और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो ASUS के इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके टॉप प्लेट पर आपको ASUS Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और लैपटॉप काफी स्लिम एंड स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है और इसकी बिल्ड में प्लास्टिक का यूज किया गया है। और बता दूं लैपटॉप के बैक पैनल में रबर ग्रिप एयर वेंट दिया गया है जो लैपटॉप पे एक अच्छी ग्रिप और कूलिंग बनाए रखेगा और इस लैपटॉप का वेट 1.7 kg है और ASUS का मॉडल क्वाइट ब्लू कलर में अवेलेबल है। और स्पीकर्स की बात करें तो इस लैपटॉप में सोनिक मास्टर्स के ड्यूल स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है जिससे आपको इस लैपटॉप पे एक डिसेंट ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी और बेटर वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें लेटेस्ट वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जिससे आपको इसमें काफी बेहतरीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी और आप इस तरह से सभी तरीके के वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकेंगे। और वीडियो कॉलिंग के लिए ASUS ने इस लैपटॉप में 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम प्रोवाइड किया है वो भी इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स के साथ जैसे आप Zoom पर वीडियो कॉलिंग्स और मीटिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। और चलिए गाइस अब जानते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। इसमें फुल साइज का बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है विद डेडिकेटेड नंबर पैड। कीबोर्ड के किस के बीच के अलाइनमेंट एंड की साइज दोनों काफी अच्छी है और आपको इसमें 1.4 mm का की ट्रैवल देखने को मिल जाएगा
जैसे आपको इस लैपटॉप पे टाइपिंग करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें काफी कंफर्टेबली टाइपिंग कर सकेंगे। और बैकलाइट कीबोर्ड के फीचर के साथ आप इस लैपटॉप को लो लाइट या डार्क कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। और ट्रैकपैड की बात करें तो इसमें एक परफेक्ट साइज का ट्रैकपैड देखने को मिलता है जो विंडोज 11 के साइज जैसे सपोर्ट करता है और ट्रैकपैड फुली के लिए केबल है। इसका टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है और बैटरी लाइफ को जबरदस्त बनाने के लिए कंपनी ने इसके साथ 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया है जो लैपटॉप को 49 मिनट्स में 60% तक चार्ज कर देगा। और आपको इस लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 42 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी लगी मिलने वाली है जिससे आपको अराउंड 3-4 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप के पोर्ट की बात करें तो हमें इस लैपटॉप में सभी तरीके के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 USB टाइप ए पोर्ट रहने वाला है और राइट हैंड साइड में 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, 2 USB टाइप ए पोर्ट, 1 USB टाइप सी पोर्ट एंड 1 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। पर इस लैपटॉप में इंटरनेट का पोर्ट और माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं है। और चलिए गाइस अब बात करते हैं कि इस लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप पावर अडैप्टर, लैपटॉप यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएंगे। ASUS का लैपटॉप नॉर्मल फोटो एंड वीडियो एडिटिंग हो, कैजुअल गेमिंग हो या ऑफिस सब बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए काफी शानदार मॉडल है। और लैपटॉप 50,000 रुपए की कीमत में जो आपको कॉन्फिगरेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं वह काफी लाजवाब है। जैसे कि आपको इसमें 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग। इसमें इंटेल का लेटेस्ट 13 जनरेशन कोर i3 प्रोसेसर दिया गया है जो एक यू सीरीज का रिफ्रेश प्रोसेसर है। इसमें 8GB रैम के साथ 512GB तक की स्टोरेज लगी मिलती है और आप इसके रैम को 24GB तक अपग्रेड भी कर सकते हैं। पर इसमें प्रीलोडेड विंडोज लैम होम प्लस एमएस ऑफिस 2021 वर्जन इंक्लूडेड है। पर इस लैपटॉप में सभी तरीके के नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। पर इसमें लेटेस्ट वाईफाई ब्लूटूथ के वर्जन से दिए गए हैं। पर इस लैपटॉप में USD ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। पर इसमें डुअल स्पीकर्स प्रोवाइडेड है और इसी के साथ हमें इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड का फीचर भी दिया गया है जिससे आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस में किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा और आप इस लैपटॉप में अपने डेली लाइफ के टास्क फास्ट एंड इजीली कर सकेंगे। इस लैपटॉप पर पूरे 1 ईयर की वारंटी दी गई है। आप इसे 7-8 आवर्स तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। वाकई में ASUS का लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और चलिए गाइस अब बात करते हैं इस लैपटॉप की कीमत के बारे में। इस लैपटॉप की कीमत है 49,990 रुपीस और आप इस लैपटॉप को बिना किसी डाउट के डायरेक्ट अमेज़न से परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। और अभी इस लैपटॉप पर कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं जिससे आपको 5-10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और आपको ये लैपटॉप कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए गाइस सब सीधा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।